नमस्कार दोस्तों, मैं परेश पीबी न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पीबी न्यूज पे मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा, आप जो मोबाइल फोन अभी यूज कर रहे हो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आधार लिंक करवाना जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आपने इसको आधार लिंक नहीं करवाया तो आपका फोन कभी भी बंद पड़ सकता है फ्रेंड्स। आपको बहुत सारे SMS के थ्रू भी नोटिफिकेशन दी जा रही है और कस्टमर की ओर से कॉल करके भी बताया जा रहा है कि आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ आधार को लिंक करवाना जरूरी है फ्रेंड। और आप कभी कभार फोन करते हो तो फोन डायरेक्टली होल्ड पे चला जाता है और वो इंफॉर्मेशन बताने लग जाती है कि आपको अपना फोन नंबर आधार लिंक करवा लेना है। और आप यदि आधार लिंक नहीं करवाते हो आपके फोन को तो आपके फोन की सेवा बंद की जाएगी। तो उसी के चलते मैं आज आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप घर बैठ के आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से कैसे लिंक कर सकते हो फ्रेंड्स। इसका सिंपल सा प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कुछ काम की जरूरत नहीं है फ्रेंड। आपको जिस फोन के साथ आधार लिंक करवाना है उस फोन की आपको जरूरत है, उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड जो होगा वो आधार कार्ड आपको चाहिए होगा फ्रेंड्स। अभी आधार कार्ड जो है फ्रेंड्स, मेरा आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, बाकी आपको किसी की जरूरत नहीं है फ्रेंड। तो उसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जिस नंबर को आधार लिंक करवाना होगा उसको सिंपली आपको ओपन करना होगा और उस नंबर से आपको एक नंबर डायल करना होगा, जो नंबर है 14546। इस नंबर को आपको डायल करना होगा फ्रेंड्स, देख लीजिएगा आप, इस नंबर को आपको डायल कर लेना है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको अपना आधार कार्ड पास में रखना है, आपको आधार कार्ड पास में रखना है। और आधार कार्ड बनवाते वक्त जिस नंबर से आपने उस पर रजिस्टर किया था, मतलब आधार कार्ड के फॉर्म जब भरा था आपने, तो जहाँ पे उस वक्त आपने जो नंबर वहाँ पे रजिस्टर किया था वो नंबर भी आपके पास होना चाहिए फ्रेंड। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इस नंबर पे आपको करना होगा कॉल। मैं आपको पूरी प्रोसेस अभी बता देता हूँ फ्रेंड्स, सिंपली मैं उस पर कॉल करता हूँ फ्रेंड्स और आपको दिखा देता हूँ। जर आपण भारतीय नागरिक आहात तर 1 दबा, इतर साठी 2 दबा। पुढे जाण्याआधी कृपया डिक्लेरेशन स्वीकार करा। माझ्या मोबाईल नंबरला व्हेरीफाय करण्यासाठी माझी सहमती देतो आणि याला आधार ऍक्ट 2016 च्या अंतर्गत UIDAI च्या माध्यमातून डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन किंवा लोकसंख्या शास्त्रीय प्रमाणीकरणासाठी माझी सहमती मानले जावे। आधार नंबर एंटर करण्यासाठी 1 दाबा। कृपया 12 अंकांचा आधार नंबर नोंदवा। फ्रेंड्स, आपको अभी यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है फ्रेंड्स, और आधार नंबर डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस क्या है उसकी आगे। मैंने यह मेरा आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आपको ये सुना नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे सिक्योरिटी रीजन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये आधार नंबर सुना नहीं सकता फ्रेंड्स। आपल्याला लवकरच आपल्या आधार रजिस्टर्ड मोबाईल नंबरवर एक OTP प्राप्त होईल। OTP नोंदवल्यानंतर तुम्ही हे सुनिश्चित कराल की तुम्ही मोबाईल नंबरचे सध्याचे युजर आहात। 9 5 फ्रेंड्स, देखिए मुझे इस नंबर पे एक OPT आया है, मैं OPT अभी इनके साथ शेयर करूंगा और मेरा आधार कार्ड मेरे मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा फ्रेंड्स। आणि या मोबाइल नंबर से सिम कार्ड माझ्याजवळ सुरक्षित आहे। आधार OTP शेअर करण्यासोबतच याची अनुमती देतो की तुम्ही माझा मोबाइल नंबर व्हेरीफाय करण्यासाठी UIDAI कडून माझे नाव, जन्मतारीख, पत्ता, लिंग आणि फोटो देऊ शकता। या OTP प्रमाणीकरणाला माझ्या स्वाक्षरीच्या स्वरूपात मानले जाऊ शकते। कृपया बीप नंतर 6 अंकी OTP।
मैंने यहाँ पे जो है आधार कार्ड का ओपीटी आया था फ्रेंड्स, मैंने ओपीटी उनके साथ शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं उनको। 1, 2, 4 कंफर्म कर रहे हैं सर कि 3 दबाओ। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्रोसेस पूरा हो गया है फ्रेंड्स। आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, ना आपको डीलर के पास जाना है, ना आपको किसी शॉप के पास जाना है। आपको घर बैठे ही आपको जो नंबर डायल करना है वो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। उस डिस्क्रिप्शन पे नंबर पे आप जाके एक कॉल करना है सिंपली। आपका जो भी ऑपरेटर होगा, चाहे टेलीनॉर होगा, चाहे यूनिनॉर होगा, आइडिया होगा, ओडाफोन होगा, जियो होगा, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। उस नंबर से आप उस नंबर को डायल कीजिए। डायल करने के बाद आप जो उनको इंट्रक्शन जो आपको अभी अभी सुने फ्रेंड्स, ये अभी फिलहाल मराठी में थे। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मराठी में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन आप जहाँ के भी होंगे फ्रेंड्स, वो आपके लिए कुछ भी नहीं लाई चाहिए फ्रेंड्स। आपके लिए उसी पे आपका आधार कार्ड चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका आधार कार्ड होगा, मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा फ्रेंड्स। एक मिनट की प्रोसेस है फ्रेंड्स, सिंपली है। और आपको उसमें कोई दिक्कत वगैरह आती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे चैनल को लाल कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।